बट नाउ लाइव, बहुत दिनों बाद लाइव आ रहा हूं, बहुत दिनों बाद। मुझे याद भी नहीं, पता नहीं लास्ट टाइम कब आया था मैं। और लोग जुटने शुरू हो रहे हैं। हेलो, हाय हाय, हेलो, हाय हाय हाय। एक बार नंबर बढ़ जाएं सारे। हेलो हेलो महेश, हेलो सभी को, हेलो। बड़ी तेज तेज चल रही है चीजें, और एकदम से ये प्लान बनाया। मैं एडिट कर रहा था अभी, जस्ट मेरी सर से बात हुई और सर ने बोला चल लाइव चलते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, मैं तैयार हूँ, आप भी आ जाएं। तो 3-4 मिनट में सर आने वाले हैं, और आप बताएं सब कैसा चल रहा है। मतलब सब बढ़िया है। मुझे तो याद नहीं मैं लास्ट टाइम कब आया था, किसी को याद है कमेंट करके मेरे को बताओ लास्ट टाइम लाइव कब आया था। पंकज कह रहा है मिस यू भाई, दिन रात तू मेरी गैल रहे, फिर भी तू मिस कर रहा है। हफ्ते में 5 दिन मेरी गैल रहे, 2 दिन तू घर चला जावे, उसमें भी तू मुझे मिस कर रहा है। आ जा फिर। कितने लोग जुड़ गए हैं, कितने हो गए हैं? अरे 13,000 लोग भाई साहब, खतरनाक खतरनाक चीज। तो मैं एक बार ये वैसे रिक्वेस्ट में जाके भेजना पड़ता है, तो अभी मैं अगली वीडियो की एडिट ही कर रहा था थोड़ी देर पहले, फिर ये एकदम से अचानक वाला प्लान बना। इसमें कुछ स्क्रिप्ट या कुछ ऐसा सोचा नहीं गया। मुझे पता लगा सर की फिल्म आई थी कुछ टाइम पहले ही, मैंने ट्रेलर देखा था, तो मैं आज सर से बात ही हो रही थी उस बारे में, फिर एकदम से प्लान बना चल लाइव चलते हैं, बातें बातें करते हैं। मैंने कहा हाँ सर, मुझे भी पिछला जो शूट था उसके बारे में भी बात करेंगे लोगों से, जब हमने शिवाजी के टाइम पे शूट किया था, और 14,000 लोग जुड़ चुके हैं। व्यू रिक्वेस्ट, मुझे कोई ये बताओ, रिक्वेस्ट मुझे भेजनी होगी या क्या होता है? रिक्वेस्ट भेजनी होती है ना? ना ना, उधर से कोई कह रहा है कान में लगा के वो एयरपोर्ट लगा के बात कर ले। अरे यार ऐसे ही ठीक है, बढ़िया। अभी मेरे को सबकी आवाज आ, सभी को मेरी आवाज आ रही है? इतना बताओ पहले मेरे को। हेलो भाई, एक दिन मिलूंगा, जरूर मिलेंगे भाई। लव यू अमित भाई, लव यू भाई, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। VFX गाय अमन, बिग फैन सर, मान जा। ये ना, ये जो साथ वाले ना, ये बड़े मजे लेते हैं, इनके इनकी खुराक बांधनी पड़ेगी किसी दिन। आवाज आ रही है सभी को? हाँ भाई, हाँ भाई, अच्छा फिर तो बढ़िया है, फिर बढ़िया है। सर सुनाई दे रही है आवाज, ये स्वप्निल भाई यार, सारे के सारे, कोई सर, कोई मिस यू, कोई बिग फैन, ये सारे के देख रहे हो ना, ये हरकतें हैं सबकी। कोरोना कहीं इनको ना छेड़ना, नाम इनका भी थोड़ा ना, भाई भाई वो किसी को भी ना छेड़े। एक ही आ गए धीरज भाई बिग फैन करके, सारे के सारे कलाकार है यार। मुझे कोई बताएगा कि कैसे रिक्वेस्ट कैसे भेजनी होगी, या व्यू रिक्वेस्ट आएगी? कैसे होता है यार, एक तो मैं तो भूल भी गया ये, मतलब कुछ दिन आए क्या नहीं, फिर पता ही नहीं लगा। कोई बताएगा मेरे को कि कैसे रिक्वेस्ट वगैरह भेजते हैं, कैसे ऐड करते हैं? ऐड कहां पर होता है? यहां पर ये व्यू रिक्वेस्ट आ रही है। व्यू रिक्वेस्ट में से जाना होगा, किधर से जाना होगा? हाँ नीचे प्लस का साइन आ रहा होगा, प्लस का इधर, एक तो वीडियो का साइन आ रहा है। अच्छा ओके,
ये आ गई रिक्वेस्ट में सियोल, मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है। चलो जब तक सर आते हैं मैं बात क्लिक करो भाई और रिक्वेस्ट आई। हाँ मैंने कर दिया। नमस्ते सर। नमस्ते अमित, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप? सब अच्छा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है। सर मैं आपके ये यहाँ कह सब रहा था। ठीक? हाँ जी सर, सब अच्छा है, सब अच्छा। मेरे को तो सर एकदम से ऐसा सरप्राइज मिल गया, मैं वीडियो की एडिट कर रहा था, हाँ एकदम से आपसे बात हो गई, मैंने कहा आज तो कमाल हो गया, दिन बन गया थैंक यू सो मच। सर। मुझे पता लगा है फिल्म आ रही है, मैंने उसका ट्रेलर भी देखा था, काफी टाइम जब आया ही था तभी मैंने ट्रेलर देखा था। और जब भी हमारे देश की बात होती है या यूनिफॉर्म की बात होती है, इससे मेरा अलग लगाव का एक कारण ये भी है कि जो मेरे दादाजी थे वो मिलिट्री में थे, आर्मी में थे। हाँ ओह वाह वाह, जी, तो स्वर्गीय रामपाल फौजी, अभी तो हमारे बीच में नहीं है वो। तो सर मैं वो ही जानना चाहता हूँ, आपने जब पहला एक सीन लिया, पहली बार वो ड्रेस पहनी, तो कैसा फील? यार यूनिफॉर्म जब भी पहने ना, चाहे वो एयरफोर्स की हो या आर्मी की हो या पुलिस की हो, उसकी अपनी एक डिग्निटी होती है। तो वो पहनते ही आपको ऐसे लगता है कि कि और फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि इस जो यूनिफॉर्म की है इसकी इज्जत करना बहुत जरूरी है। वो अपने आप ही आ जाती है, उस सोच के नहीं आती, वो पहनते ही अपने आप आ जाती है। और जैसे कि मैंने कहा कि मतलब क्या आपकी पूरा परसोना, आपकी पूरी चाल सब कुछ बदल जाती है, एक सोच भी बदल जाती है। वो एक अलग ही फील। या सर एक चीज है जो सबसे ज्यादा मैं आपसे सीखता हूँ जब मैं कंटेंट बनाता हूँ, कि किस तरीके से जो वैरायटी होती है, चाहे वो शिवाजी हो चाहे वो बोर्ज हो, जितने भी आप अलग अलग तरह के लाते, ये डिसीजन, ये मतलब अपना एक माइंड सेट है या कुछ हमेशा ही ऐसा मन करता है कि यार कुछ क्रिएटिव करते ही रहना है, हमेशा एक अलग करना है, ये कैसे? ये मुझे जानना है, ये मेरे को पर्सनली जानना है, एज ए क्रिएटर जानना है। नहीं, पर्सनली मुझे ऐसे लगता है कि एक तो ऐसी जो कहानियां है वो यार हमारी जो हमारे देश में इतने बड़े बड़े सैक्रिफाइस हुए हैं और इतने लोगों ने क्या क्या किया है, लेकिन हमारी किताबों में वो पढ़ाते नहीं। जब हमने तानाजी भी बनाई तो तानाजी हमारे टाइम पे हम स्कूल में एक आधा पन्ना था तानाजी की हाँ हिस्ट्री जी, पे, हाँ और जी, उसके हाँ बाद जी, आज की जनरेशन में तो है ही नहीं। तो जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि हमारे लोगों ने क्या क्या सैक्रिफाइस किए इस आजादी के लिए और इस देश को बरकरार रखने के लिए, तो आगे की जनरेशन क्यों उस पर ध्यान देगी? जब आपको कोई चीज मुश्किल से मिलती है और कितनी मेहनत से मिलती है तब आप उसे करीब रखते हैं ना। तो जब लोगों को पता चलेगा कि इतनी मेहनत, इतने सैक्रिफाइस, इतने बलिदान के बाद आज ये इंडिपेंडेंस और ये सब हमारे पास है, तो उसको थोड़ा बरकरार रखो, तो थोड़ी बहुत तो आई थिंक सोच सबकी चेंज होगी। हाँ जी, हाँ जी, वही है। मैं तो मुझे वो दिन याद आ जाता है सर, 2010 की बात है, स्कूल में था जब वंस अपॉन अ टाइम इन बॉम्बे आई थी। तो स्कूल के हम सारे बच्चे थे, पैसे वैसे थे नहीं हमारे पास, तो हम कह रहे थे यार फिल्म देखने जाना है, चाहे तो इवनिंग का हमारा स्कूल हुआ करता था, तो हमारा ये प्लान बना भाई कैसे भी करके पैसे इकट्ठे करके देखने जाना है। तो हम सब में एक एक होता था हो रहा कि यार अजय सर को एक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आंखों से एक्टिंग कर देते हैं। तो ये सर मतलब इतने सालों से ये चीज एक चलती हुई आ रही है, ये क्या है सर, ये वाली क्या चीज है? पता नहीं यार, ऊपर वाले की थोड़ी देन है और आंखों से एक्ट करने के लिए भी थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। बाकी मुझे लगता है ज्यादा ऊपर वाले की ही देन है। सही सर, टैलेंट भी एक होता है कि आदमी को जब उसका पता होता है कि हाँ यार ये मेरे पास चीज है। सर मैं बताना चाहूंगा, लास्ट टाइम जब आपके साथ शूट किया था उसकी मैं छोटी सी एक बात रखना चाहूंगा सर, ये हाँ हमेशा भैया, मेरे एक दिल में दिया, मैंने कभी इंटरव्यू में नहीं बोली, कहीं पर भी नहीं बोली। तो जब मुझे पता लगा कि भाई अजय सर के साथ ना वीडियो करनी है, वो फिर कंटेंट लिखा मैंने, दिया, वहां से पास हुआ, जब मैं शूट करने पहली बार पहुंचा वहां पे, तो मुझे सर पता नहीं क्या था, मैं अगले ना एक दो दिन ना बड़े प्यार में रहा। एक पर्सनैलिटी ऐसी थी ना मेरे सामने, जब मैंने काम किया देखा तो मैं ऐसे था कि इतना सिंपल स्वभाव, इतना डाउन टू अर्थ नेचर सर आपका, मतलब मेरी फैमिली हो। मैंने हर जगह ये बात बताई कि यार ये सीखने की सबसे ज्यादा
जरूरत है। मुझे आज भी एक मोमेंट याद है कि मैंने कोट पहन रखा था, तो मैंने आपसे कहा कि सर वो आप क्या कोट लाए हैं, तो आपने ना बड़े प्यार से मेरे से कहा अरे यार अमित मैं तो लाना भूल गया, एक तेरे पास कोई हो तो बता मैं उसे पहन लेता हूँ। तो वो मोमेंट ना मेरे लिए सर ऐसे था कि मैं सर बहुत कुछ सीखा आपसे सर, सच में। वो एक छोटा सा हमारा 5-6 घंटे का शूट हुआ, लेकिन बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ी चीज यही सीखी कि सिंपल रहना कितना कितना ज्यादा जरूरी है आपको अपनी लाइफ में। नहीं, बहुत जरूरी है, और आई थिंक वो आप खुद नहीं सीखते, वो आई थिंक आपके माँ बाप आपको सिखाते हैं। तो ये चीजें, इसका श्रेय तो पूरा आपके पेरेंट्स को जाता है। और जब वो बताते हैं कि वो कहाँ से कहाँ पहुंचे, मतलब जो मेरे डैड थे वो बेचारे पंजाब से भाग के आए जब वो 14 साल की उम्र पे थे, हाँ जी टैक्सी हाँ धोनी शुरू की। टैक्सी धोने से, टैक्सी में रहने की जगह नहीं थी, टैक्सी टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि तेरे पास जगह नहीं है, मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा, तू टैक्सी धो दिया कर दे और तेरे को सोने की जगह दे दूंगा, तू रात को टैक्सी में सो जाया कर। तो वहां से उनकी स्ट्रगल शुरू हुई। तो जब आपको ये सब पता होता है और आपको पता होता है कि ये कितना कितना लाइफ का स्ट्रगल है, और आपको काफी आसानी से मिला हुआ कंपेयर टू जो उनको मिला था, उन्होंने कितनी मेहनत की थी। तो आई थिंक, और जो मेरा घर है वो एकदम मिडिल क्लास की तरह है, मतलब कि मेरे घर पे जो एटमोसफियर है वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही हाई क्लास एटमोसफियर है, एकदम मिडिल क्लास एटमोसफियर है। तो वो जब होता है ना, तो आप जमीन पे रहते हैं, आप हवा में ज्यादा नहीं उड़ते। नहीं सर मेरे को तो मिलके मैं तो अलग ही ओरे में था। मैंने कहा एक होता है सर हम हमारा तो सर ये हुआ था कि एक इंटरनेट वाली हम जनरेशन है, यूट्यूब पर हमने वीडियोस वगैरह बनानी शुरू करी, धीरे धीरे वीडियोस बनी, नाम बना। तो जब सबसे पहली बार ऐसे होता है ना कि यार जिनको हम बचपन से देख रहे होते हैं, कि मैं सर इसमें आपको उम्र के लिए ताना नहीं मार रहा मार ले ठीक है। लेकिन बचपन से आप देख रहे होते हो, एकदम से काम करने का मौका मिले, और वो भी लिमिटेड लोग जो आपको जिनको आप लाइफ में चाहते हो कि यार इन लोगों के साथ ना डेफिनेटली चाहे हर एक पॉसिबिलिटीज में काम करना है, और आप उनके साथ जब पहली बार काम करने जाते हो तो आपके दिमाग में ये बात रहती है यार कुछ ना ऐसा इम्पैक्ट ना हो कि तूने 15-20 साल से एक इमेज बना रखी है एक बंदे की, वो ना टूट जाए, कुछ ऐसा वो बिहेव ना कर दे या कुछ ऐसा गलत ना हो जाए कि ऐसा लगे अरे यार हम इनको एडमायर करते थे अपनी लाइफ में। वो बिल्कुल भी नहीं टूटा, तो बहुत अच्छा लगा। खैर सर बैक टू बेसिक, सर मुझे भुज की जो कहानी है ये आप मेरे से कह रहे थे मैं तेरे को दिखा देता हूँ, लेकिन मुझे देखनी है जनता के साथ ही, जब सब देख रहे होंगे तभी मुझे देखनी है सेम डे। मैं थोड़ी सी कहानी जानना चाहता हूँ पर इसकी। कहानी, जैसे कि मैंने कहा कि 1971 में एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि जो पाकिस्तानी फोर्सेस ने कि अगर अगर ये लोगों के जो सैक्रिफाइस नहीं होते तो भुज और वो पूरा एरिया हिंदुस्तान का कटके उनके पास चला जाता। उनकी हाँ जी प्लानिंग ऐसी थी। और उस दौरान ये जो वहां पे उन्होंने ऐसा काट दिया था कि पूरे हिंदुस्तान से हमारे आर्म्ड फोर्सेस वहां पहुंच ही नहीं पा रहे थे। तो उनको हाँ वहां जी पहुंचने के लिए कम से कम नहीं तो 2 दिन लग जाते, और तब तक उन्होंने सोच लिया था कि हम पूरा टेक ओवर कर लेंगे। तो जो चंद लोग वहां रह गए थे उन्होंने कैसे वो 48 आवर्स प्रोटेक्ट किया उस जगह को। और सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस की कहानी नहीं है उसमें, उन 300 औरतों को भी कहानी है कि भुज का जो नहीं बनता तो ये टेक ओवर कर लेते और हमारे आर्म फोर्सेस पहुंच नहीं पाते। उन 300 औरतों में ना ना वो आर्मी की थी ना एयरफोर्स की थी, बेचारी गांव की औरतों ने अपना पूरा सारे गांव के सारे घर तोड़ के रातों रात वो रनवे बनाया, उस अपने पत्थर यूज करके, अपने घर की दीवारें यूज करके। तो ये जो सैक्रिफाइसेस है ये बहुत बड़े बड़े, और जब कहानी सुनो तो के रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार कि कैसे किया होगा और कैसे उन्होंने प्रोटेक्ट किया होगा। तो जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये फिल्म तो करनी चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए कि ऐसा भी होता है और ऐसे सैक्रिफाइसेस भी होते हैं। सर मैंने ट्रेलर देखा मेरे को गूज बम्स आ गए थे, क्योंकि एक तो देश की भी बात थी और फिर आपको यूनिफॉर्म में देखा, वो सारी की सारी चीजें देखी। तो सर मैं एक बेसिक सा एक छोटी सी बात थी कि जब आप कोई कंटेंट सुनते हैं, कोई फिल्म सुनते हैं, तो कोई सेंस होता है जो बताता है कि यार ये चीज बेस्ट है, या फिर कहानी में अपने आप ऐसा लगने लगता है। दिल की आवाज बता देती है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उस वक्त डिसीजन हो जाता है।
कई बार कितनी भी अच्छी कहानी सुन लो, दिल से निकलती है यार छोड़ो इसको नहीं करते, और कई बार एक चीज ऐसी होती है जो ऐसे सुनते ही ऐसे लगता है दिल से कि यार इसको तो शुरू करना चाहिए, इसको तो करना चाहिए, तो बस आई थिंक वही एक चलता है। सर एक 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 बस छोटी सी बात बता दीजिए मुझे, वो मेरे को बहुत जाननी है कि सर आप ये जहां हम रहते हैं दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, आप यहाँ शूट करने कब आ रहे हैं? फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करके अगर जब भी प्लान बनेगा सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो मेरा ये है कि मुझे घर का खाना मक्के की रोटी और वो घर का खाना चूल्हे का खाना, चूल्हे की रोटी, वो आपको खिलाना है। वो तो मैं आते ही खाऊंगा क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा वो पसंद है। तो अब आपके भाई मैंने खाने शूट के में भी आपको आपके बोला आपके खाने के लालच में मुझे लगता है अभी कोई शूटिंग वहां प्लान करनी पड़ेगी। सर आप जो वो जब जब लास्ट टाइम हम शूट पे थे तो जिस तरीके से जब टेक हो रहे थे या बीच बीच में चीजें चल रही थी तो चल रही मैं थी तो मैं एकदम से ऐसे बैठा था, मैं कह रहा था यार ये वही अजय देवगन है ना जिसको हम देखते थे। हाँ यार ये सारी की सारी चीजें सर दिमाग में ऐसे चल रही थी उस टाइम पे, लेकिन आपने उस टाइम पर जो कंफर्ट फील कराया था वो अभी तक मतलब जहन में बसा हुआ है किस तरीके से कि यार आपने ऐसा फील नहीं होने दिया कि कहीं से शूट वूट करने हैं बच्चे बच्चे, नहीं यार अपने हो करो, एक टेक लेने हैं, दो लेने, चार लेने, लो पर फटाफट लो बढ़िया, तुम्हारा कंटेंट खराब नहीं होना चाहिए वो अच्छा। और सर ओ, आपको पता नहीं होगा शायद आपके बिजी होने की वजह से उस पर 40 मिलियन व्यूज है, 25 मिलियन वाह। यूट्यूब पे, 25 मिलियन यूट्यूब पे, 15 मिलियन फेसबुक पे, और 2.5 मिलियन के आसपास लाइक्स हैं, 100, 1 लाख के आसपास कमेंट है, वो मोस्ट सक्सेसफुल वीडियो है हमारी सर। चलो टच उठ यार, तेरी भी तो फैन फॉलोइंग इतनी है, तुझे भी तो लोग इतना अच्छा लाइक करते हैं, इतना लाइक करते मेरी कोई फैन फॉलोइंग नहीं सर, आप थे उसमें चार चांद लगे, ये लोगों का प्यार था, लोग देखना चाहते थे, मैं तो कह रहा हूँ सर अब बुलाइए, अब सर वापिस करेंगे कुछ बेहतरीन। तू प्लान कर ले, जब आना आ जा, कुछ लिख ले, जब लिख लेगा तो मैं बता आता हूँ देना। सर कुछ लिख के या बना के कुछ अच्छा करके। मैं जाते जाते सर आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि भुज के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी जाकर देखें उसको सर, कहाँ कैसे कैसे आ रही है, कब कब आ रही है सर आप बताएं प्लीज। कल रिलीज हो रही है, इनफैक्ट 13 तारीख को, कल शाम को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे 5:30 पे रिलीज हो जाएगी। फिर उसके बाद सबकी सबके हाथ में, जिसको जब देखनी है देखे, और कैसी लगे मुझे भी पांच पैंतीस बताना, पे तो मुझे जरूर बताना कि कैसी लगी ऑनेस्टली। हाँ सर मैं आपको जरूर बता, मुझे पता है सर कंटेंट के मामले में, फिल्मों के मामले में आपका निशाना कभी नहीं चूकता, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे वो उसके अंदर कितने दमदार कंटेंट है, वो आपका हमेशा डे वन से जब से मैंने देखा वो स्ट्रोंग ही रहता है, तो इस बार मुझे पता है, और ऊपर से 15 अगस्त भी आ रहा है तो ये सही मुझे लगता है कि बहुत सही आपका टाइम है जब आपने ये ये रिलीज करी है। रिलीज मैं सब सभी अपने जितने भी मेरे चैनल देख रहे हैं वो जाके देखें, कल कल है सर, कल है ना, कल कल 13 तारीख हाँ कल 13 तारीख को 5:35 पे, और बाकी सर आप अपना ध्यान रखें। आप भी रखिए, और सबको मेरी तरफ से नमस्ते, और सबको मेरी तरफ से बहुत प्यार, एंड टेक केयर, और फिल्म देखें और मुझे जरूर बताएं कैसी लगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर जाते जाते वो एक बात हो जाए मराठी वाली जो आपने बोली है ना कि जुबान वाली, कौन सी कौन सी? ट्रेलर में थी जुबान वाली कि वो मारता है या मरता है। अरे यार वो डायलॉग मुझे याद नहीं है, अब व्हाट इज दैट अच्छा डायलॉग? ये सच्ची भूल गया मैं यार। कोई नहीं सर मैं बता देता मराठा, हूँ। हाँ 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 जी हाँ जी, तू बता नहीं दे नहीं फिर सर मैं आप बोल दूंगा। नहीं नहीं बाप तू भाई तू बता दे फिर मैं रिपीट कर दूंगा। नहीं सर आप ही बताए, आप नहीं मुझे बताए याद नहीं, मुझे याद नहीं, एक बार बोल देना प्रॉपरली। वो था कि सर मराठा जुबान के अपने पक्के होते हैं, या तो जान दे देते हैं जान ले लेते हैं। हाँ मराठा सिर्फ दो ही बातें जानता है, या मारना या मरना। मरना, हाँ जी वही। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार आपको सर, ध्यान रखिए अपना, आप सबको भी थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू सर, लव यू, टेक केयर सर। लव यू गाइस, बाय बाय। तो साथ में थे अजय देवगन सर, सर की फिल्म आ रही है और इसको देखना आप सभी, बहुत मजा आया सर से बात करके, हमेशा सर के साथ बात करके एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, सर ने तो एकदम से सरप्राइज दे दिया था मुझे।
कि चल भाई लाइव करते हैं। मैं कह रहा अरे एडिट वेडिट छोड़ के काम करना पड़ा। खैर बहुत बहुत बढ़िया लगता है सर से हमेशा बात करके, क्योंकि बॉलीवुड में कुछ ही चुनिंदा ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो इसलिए नहीं कि मतलब कि वो बॉलीवुड से है, क्योंकि उनका काम इतना बेहतर है और वो मेरे काम की कदर करते हैं। सबसे मुझे सबसे अच्छी बात ये ज्यादा लगती है कि जहां से मैं आया हूँ, जो मैंने लाइफ में स्ट्रगल किया और जहां मैं पहुंचा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, वो उस चीज की बहुत कदर करते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो अजय सर हो, अक्षय सर हो, ये हमेशा से उस चीज को अच्छा मानते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, चाहे कभी फोन पे, मैसेज पे, कभी भी, हमेशा। तो अपना ध्यान रखें, और थोड़ी देर में मैं नई वीडियो की अनाउंसमेंट करूंगा। नई वीडियो आने वाली है, यूट्यूब पे नहीं आएगी, चलो बता देता हूँ, अमेजोन मिनी टीवी पर आएगी। तो ध्यान रखें अपना, थोड़ी देर में। ओ डकार मार दी भाई साहब, क्या खाया है, क्या ही पिया है। चलो ध्यान रखिए अपना, बाय, टेक केयर, लव यू। अगर किसी के मैसेज नीचे हों और मैं ना पढ़ पाया हूं तो मुझे माफ करना। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।